हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका वेट आप सब लोग बेसब्री से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये फोन है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रूमर्स अभी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो इसके जितने भी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज है, वो सब मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे आप स्मार्टफोन गैजेट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फाइनली वेट खत्म होने वाला है हमारा, जो कि हम कर रहे थे रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फोन को लेके। ये फोन बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। ये फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 14 पे बेस्ड होगा। वहीं अगर बात करें इसके अंदर आने वाले प्रोसेसर के बारे में, यानी इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा धांसु प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों, ये फोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और सिर्फ प्रीमियम फोन्स में ही आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट फर्स्ट टाइम Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहने वाला है और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो 2.8 GHz की रहने वाली है। यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको मिनिमम 12 GB रैम वेरियंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस में तो ये फोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर मैं अभी स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली इस फोन का वेट करूंगा। वहीं अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में आपको एक 6.67 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1220x2715 पिक्सल्स के साथ में आएगी। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे और भी काफी ज्यादा अमेजिंग चीजें आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है या जिसको भी वीडियो देखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस फोन के डिस्प्ले से कभी बोर नहीं होंगे। यहाँ पे आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो 1682 निट्स की मिल जाएगी। और यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। बेजललेस डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों, काफी ज्यादा अच्छी है। कर्व डिस्प्ले होगी तो और भी ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। अब अगर बात करें कैमरास के बारे में, तो रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा होगा, फॉलोड बाय 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो। ड्यूअल LED फ्लैश आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें जो सबसे ज्यादा डाउट होता है अभी के टाइम पे हम लोगों का, कि हम कोई भी फोन लेते हैं वो हम ऐसे लेते हैं कि हम उससे वीडियोस बना पाए, फोटोज अच्छी ले पाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फोन के अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 24 FPS में। हाँ दोस्तों, तो अगर कंटेंट क्रिएटर मेरे दोस्त हैं जो नया फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस फोन को ले सकते हैं, क्योंकि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 24 FPS में मिलना बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 120W फास्ट चार्जर के साथ में आएगी, और USB-C टाइप पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये फोन आपको वाटर रेजिस्टेंट देखने मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे अच्छी बात इस फोन की जो रहने वाली है वो यही है कि काफी अमेजिंग प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे कमाल के फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि ये फोन की जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फोन आपको अंडर 25,000 देखने को मिल जाएगा। और अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये आपको नवंबर एंड तक लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, यही सारी बातें थी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फोन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।